तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तो साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्ण ना साको। ठाकुर उच्च भगवाना सजन तेरे चरण के होए रहा सद तूर, नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर। वाहिगुरु साहिब जियो, कबीर सिख साखा बहुते किए, केसो कियो नमीत, चाले थे हर मिलन को बीचे अटक्यो चीत। कबीर कारण बपुरा क्या करे, जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग तर सोई मुरमुर जा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। परम सन्मानियो सत्कारियो गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का खास रूप खालसा साधो संगत जीओ, सतगुरां दी अति अंत बख्शिश दे सदका सरबत माई भाई गुरसिख संगता। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र स्थान ते जुड़ मिल बैठ के अमृत वेले तो लेकर सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद दा आनंद मानदे आं, धुर दरगाहि बचना नूं पढ़दे सुनदे श्रद्धा भावना नाल आ रहे हैं। महाराज दयालु कृपालु सतगुरु जी साडे ते कृपालता करदिया होया उस अकाल पुरख वाहगुरु दे जो धुर दरगाही बचन ने सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 1369 अंग दे उपर सुभाई मान ने महाराज भगत बाबा कबीर साहब जी की रचना के द्वारा ये पवित्र बचन जेड़े ने साडे तक पहुँचाउण दा जतन किया गया। महाराज कबीर साहब जी ने सानू धुर दरगाही बचन जेड़े आ बड़े प्रेम सह समझाउण दा जतन किया है। कलयुग दे जीवां नूं इह गल समझ आ जावे, पकड़ विच आ जावे, इह परिपूर्ण परमात्मा वल नूं तुर पए।
संसार दे अंदर जिस वक्त कोई भय भीत हुंदा है, डर दे सहत हुंदा है, उदों वो अपना सहारा पालदा है, कोई मित्र बनांदा है, कोई सज्जन बनांदा है, किसी रिश्तेदार तो अपनी मदद लई पुकार करदा है। महाराज कबीर साहब कहते संसार के अंदर जब मनुख नु पता लगा तो उसने बड़े अपने जेड़े मित्र बनाए, बड़े सेवक बना लाए, पर उन्हां चो कोई भी नाल निभण वाला ना बनिया। महाराज कबीर साहब वचन कर दे, कबीर सिख साखा बहुते किए, केसौ कियो न मीत। महाराज कृपा कर देने, संसार दे अंदर जीव ने आके अपने सिख बनाए, गुरु दे नहीं, अपने सिख बनाए, अपने सेवक बनाए, अपने चेले चाटड़े बनाउणा कीते ने, आप उन्हां दा गुरु बन बैठा, आप उपदेशकारी बन बैठा, ते उन्हां नू अपने उपदेश ग्रहण करता बना लैणा कीता है। महाराज साहब कहिंदे अगे हुण उन्हां चेलियां दे, उन्हां सेवकां दे अगे जिहड़े पोते चेले बन गए, तीसरी जगह ते एक पुत्र चेले बन गए, एक पोतरे रूप चेले बन गए, वो अगे उस बिरछ दियां साखावां ने उहदे विचों उपजियां होईयां। महाराज कहिंदे सिख साखा किए, सेवकां दे अगे सेवक बना लैणा कीते हो गए, ये सब कुछ यही करता रह गया, किसो कियो ना मीत, इन्हां नाल संबंध जोड़ता रहा, इन्हां दा बनता रहा, इन्हां नूं अपने बनाउंदा रहा। जिहड़ा केशव अकाल पुरख वाहिगुरु निर्गुण सी ना, जिहदे अंदर कृष्टाई नहीं सी, जिस अंदर कोई घाट नहीं सी, उस परमात्मा नूं मित्र नहीं बनाया। ये बस संसार के जीवन नूं मित्र बनाउंदा रहा, ते मित्र तां टुटदी रहे, पर परमात्मा नाल मित्राना नां जोड़िया, उहदे अगे तरला ना लिया कि जे तू मित्र असाडड़ा इक भोरी ना विछोड़, हे प्रभु जे तू मेरा मित्र है ते मैनूं दूर ना कर, ये गल तां ही आखांगे जे उहनूं मित्र बनाया होया। परमात्मा नूं मित्र नहीं बनाया। महाराज कबीर साहब कहंदे ने चाले थे हर मिलन को, बीचे अटक्यो चीत, मनुख धार्मिकता धर्म वल नूं कदम इसलिए वधाया सी, रब नूं पा लईए, रब नूं ध्यान लईए, रब दे मार्ग नूं अपना लईए, पर तुरदियां तुरदियां अपने ही चेले चाटड़ियां दे विच उलझ गया। चाले थे हर मिलन को, तुरे ता सन शुद्ध भावना लैके परमात्मा प्रस्त होना है, पर जद गुरु जी उस्ताद जी होण लग पई, रब बन के बैठ गया। महाराज साहब कहंदे तुरे ते सी रब नूं मिलन वास्ते, पर जदों ऐसी भावना बनी खुद गुरु बन के बैठ गया, विचे चित अटक गया, रोक गया, परमात्मा तक पहुंचना नहीं होया, ना परमात्मा नूं आराधना कीता। महाराज कहंदे कबीर करन बपुरा क्या करे, जो राम ना करे सहाय। कारण जिहड़ा बनिया है, कारण शरीर की करेगा, जिन्ना चिर प्रभु नहीं सहायता करदा। महाराज कहंदे प्रभु सहायता तद करेगा जद प्रभु नूं आराध्या होया, जपिया होया, प्रभु दे नाल प्रेम पिया होया, प्रभु उदो सहायता करेगा। महाराज कहंदे ओना चिर कुछ नहीं होना, कारण बपुरा क्या करे, जो राम ना करे सहाय,
परमात्मा की सहायता तो बिना परमात्मा की कृपा तो बिना जेह जेह डाली पग धरो डाली मैं टहनिया दरखत ते चढ़ना परमात्मा जेड़ा नहीं चाहता ते जेड़ी जेड़ी टाणी ते पैर धरदा सोई मुर मुर जाए वो मुड़ जाती है थले नूं हो जाती पैर थले फिसल जाता है अगे वधदा है। महाराज साहब कहिंदे संसार अंदर आया निराकार नूं त्या अगर नहीं त्यौंदा मनुख अपनी बुद्धि दे बल ते टुरदा है अपनी सियानप दे नाल टुरदा है। महाराज कबीर साहब कहिंदे सजना जिहड़े कारज की पूर्ति लई टुरिया साना जिन्हों तुरा बना के चलदा जिन्हों आसरा बना के टुरदा भाई कल नूं फलाने ने कहा मैं तेरे नाल चलांगा बस काम तो अपना हो गया जद तुरन लगता जवाब दे जांदा सोई मुर मुर जाए अगे नूं नाल टुरना नहीं पिछे नूं मुड़दे क्योंकि प्रभु सहायता नहीं करता। प्रभु सहायता करेगा तेनू किसे नूं वी नाल टुरन की लोड़ नहीं तेरे कारज आपे सफल होंदे जाणगे। महाराज मेर करदे ने कबीर कारण बपुरा क्या करे ये शरीर बेचारा की कर सकता है ये शरीर किवें कामनावां नूं वापस मुड़ सकता है। महाराज मेर करदे ने जो राम ना करे सहाय प्रभु कृपा करे ताई मन दियां कामनावां मन दे ख्यालात जेड़े ने और स्थिरता पाउणगे टिकणगे ताई मन टिकेगा। तन नाल चाहिए मन नूं टका नहीं सकदे क्योंकि मन ही तन नूं भजाउण वाला दड़ाउण वाला है ये कदों टिकदा है। महाराज साहब मीर करदे मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए जे प्रभु दी कृपा हो जावे मन बस विच तदों आउंदा है। महाराज कहिंदे नहीं तां जिह जिह डाली पग धरो जिहड़ियां जिहड़ियां कामनावां दे उपर असवार होके इच्छावां दे उपर असवार होके मनुख चाहुंदा है मैं तां मंजल नूं पा लिया मैं तां हुण सब कुछ पा लिया है मुरातबा पा लिया है। महाराज साहब कहिंदे ओही इच्छावां टुटदियां दीदियां जिहड़ियां पूरियां हुंदियां ना जिन्हां नूं तक के मनुख कहिंदा कारज तां अपना हो गया हुण अगला और आरंभ करना है हुण जिहड़ा कहिंदा है ना हो गया वह भी मुड़ जाता है वह भी नष्ट हो जाता है वह भी नुकसानदायक हो जाता है। महाराज कहते क्यों होया परमात्मा नहीं जपया परमात्मा नहीं आराध्या वह भी वापस मुड़ जाता है जिहड़ी वस्तु आई हुई है बख्शिश आई हुई है दात प्राप्त होनी है वह भी प्रभु की कृपा तो बगैर प्राप्ति नहीं होंगी। कबीर अवरे को उपदेश ते मुख में परहरित महाराज कबीर साहब कहते दुनिया बहुत ही ऐसी आ दूजिया उपदेश कर दे भाई रब ऐं कहिंदा है रब ऐं कहिंदा है गुरु आ गल कहिंदा है एक नशेड़ी आदमी होवेगा वह बड़ी विरोधता नशियां की गल करेगा तो जे उन्हें पूछ लो तू आप अपने ते नहीं लागू करनी दूजे नूं दसेगा गुरुद्वारा ऐ होना चाहिदा जी रब दी गल ऐ होनी चाहिदी जी तू की रब वाला ग्रहण कीता। महाराज कहिंदे दूजिआं नूं उपदेश दिंदा है दूजिआं नूं दसदा है आ नहीं ऐ होना चाहिदा करदा कुछ नहीं करदा कुछ नहीं हुण कोई किसे नूं कहे बई और तू आ फसल बीज आ पा ली ओ पा ली पर आपकी ओरी जमीन बंजर होवे ते उन्हूं किड्डा कु सियाणा कहेगा देखण वाला कहेगा पहला अपने वाली दिन नूं उपजाऊ कर फिर सानू उपदेश देवी। महाराज कहिंदे दुनिया दी हिरदे रूपी जमीन सब दी तकरीबन बंजर है कुछ विरले छड के रब दी गल सारे करनगे आप अमृत छकिया नहीं अमृत दी गल पिया करेगा आप गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद आया नहीं गल पिया करेगा
ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨੀ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਦੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦਣ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਮ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਵੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਦਣ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰੇ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ, ਆਪ ਨੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਮੁੱਖ ਤੇ ਰਾਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ ਬੇਰਾਨੀ ਰੱਖ ਤੇ ਰਾਖੀ ਬਗਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਕਰਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਜੜ ਗਈ, ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਰਾਸ ਬੇਰਾਨੀ ਰੱਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਜੜ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਮਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜੋ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ, ਹੁਣ ਹਰ ਸੂਈ ਹੈ ਸਖਤ ਸੰਗ ਨ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨਾਮੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਨ ਸਾਧ 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 ਸਦਾਇਆ, ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਸਵਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਖ ਕਿ ਫੁਲਾਨਾ ਬੜੇ ਤਿੰਨ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, ਮਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਾਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਲੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਗਾਲ ਲੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਲੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਗਾਲ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਥਾਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਵਿਲੋਂ ਵਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਕੂਨ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਾਨਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਧਨ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਧਨ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਧਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ
मैं जीवन बसर करना है ते ऐवें ही करना है। जो कुछ तू लैके आया रब इहदे नाल नहीं मिलदा। पुछिया मिलदा किवें आ? फिर महाराज कबीर साहब जी ने बचन कीते, कहते कंचन सो पाइया नहीं तोल, कंचन नाम सोने दा है। रब सोने दे नाल नहीं तुल के मिलदा। अंदर दा सकून सोने चांदी नाल तुल के नहीं मिलदा। अंदर दी शांति धर्म टकाओ कदे माया तो मुल नहीं मिलदा। ते राजे ने पूछया फिर जे एदे नाल नहीं मिलदा ते मिलेगा किवें? कहिंदे कंचन सो पाईऐ नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। मन दे दिता भगवान लै लिया, मन दे दिता है। गुरु अर्जन साहिब महाराज भी मेहर करदे ने, मन बेचै सतगुर के पास ते सेवा के कारज रास। सेवा करत हुए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। ओनू मालक मिलेगा जिन्हें मन बेच दिता है, जिन्हें मन दे दिता है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे उसदे कोल बैठिया साधु दे कोल बैठिया सत संगत दे विच, और जेड़ा सत संगत